क्या आधे जमीन में दिनेश सिंह के पैसे लगे हुए हैं? क्या दिनेश सिंह की गिरफ्तारी होगी? सारे अपराधियों के जनक है दिनेश सिंह और वो डीआईजी का रसूख, क्या आप गिरफ्तारी करिएगा? क्या ये चंदन के सस्पेंशन की उम्मीद है? नमस्कार, मैं मधुभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने जदयू एमएलसी दिनेश सिंह को कहा अपराधियों का जनक। आपको बताते चले कि कल मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना में पुलिस द्वारा हाजिर हिरासत में लिए गए तीन युवकों में से एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद देवरिया थाना क्षेत्र में परिजनों के द्वारा भारी बवाल किया जाता है। वहीं एसएसपी के आदेश पर देवरिया थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अब इस मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव देवरिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कस के मुजफ्फरपुर के जदयू एमएलसी दिनेश सिंह पर हमला बोला। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आपको सुनाते हैं। क्या आधे जमीन में दिनेश सिंह के पैसे लगे हुए हैं? क्या दिनेश सिंह की गिरफ्तारी होगी? सारे अपराधियों के जनक है दिनेश सिंह और वो डीआईजी का रसूख, क्या आप गिरफ्तारी करिएगा? क्या ये चंदन के सस्पेंशन की उम्मीद है? हमें लड़ना होगा। आम आदमी को लड़ने और मरने का जज्बा खत्म हो गया है। मुजफ्फरपुर में निपुंसक और कायर लोग जन्म लिए, 7 महीने से बेटी को बेच दे और हम चुप रहे। हमको मात्र 3 दिन पहले जानकारी मिली, 15 दिनों का मैंने अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वो स्थान जिसका नाम चतुर्भुज है, या तो पप्पू रहेगा या तो चतुर्भुज रहेगा। ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा, गाली मत बजाइए। मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं, इस बच्चे के न्याय के लिए समाज के लोग जहां खड़े रहेंगे, मैं कंप्लीट रूप से परछाई की तरह उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यह समाज को तय करना पड़ेगा। मृत्युजा एक गरीब परिवार से है, कल उसके साथ सारा नेता जाति के आधार पर बोलेगा, छोड़ दो, हो गले, पैसा ले लो। ये नेता लोग सिर्फ जाति के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन करते हैं, किसका मर्डर हुआ, कौन जात के लोग हैं, किसने मारा, कौन मरा, किसका बलात्कार हुआ, किसने किया, कौन जात थे। और आज जिसकी सरकार है उसी के लोग मरते हैं, और उस सरकार के नेताओं के देह पर जरा भी कुछ भी नहीं जू रेंगता है। हम आपको वचन देते हैं, मैंने इसीलिए आपको कहा है, हम मुख्यमंत्री तक बात करने की कोशिश करेंगे। हम डीजी भट्टी जी से लेकर के आपकी बात को रखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व होंगे, हम इस बच्चे जिसका नाम गोलू है, जस्टिस फॉर गोलू एंड जस्टिस फॉर अदर, इस लड़ाई के साथ जब तक यहाँ के डीएसपी पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इस लड़ाई के साहेबगंज के इस गांव के आम आदमी के साथ खड़े रहेंगे। तत्काल भैया मत करो यार, भैया भैया एक मिनट, भैया प्लीज बोलने दीजिए ना, इस परिवार को तत्काल हमारी पार्टी की ओर से हमारे नेता यहाँ गुड्डू ओझा जी, रानू शंकर जी, सभी लोग आए हैं। हम पार्टी की ओर से, मुजफ्फरपुर पार्टी की ओर से परिवार को 25,000 रुपया और जितना इलाज में खर्च होगा उस दोनों बच्चे का, सारा पैसा हमारे खबड़ा के मुखिया स्वर्ण प्रकोष्ठ और रानू जी और ओझा जी, सारा पैसे, सारा उसके इलाज का खर्च हमारी पार्टी उठाएगी। 1 रुपया परिवार पर नहीं पड़ने देंगे। उनको जिंदा रखने में हमारी जितनी भूमिका होगी हम सब लगाएंगे। लेकिन जिस निर्दयी के साथ एक हत्यारा बनकर के, रक्षक निभक्षक बनकर के काम किया है मारने का, उस पर 302 का मुकदमा होना ही चाहिए, एसपीडी ट्रायल होना ही चाहिए और इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, मैं यही मांग करता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि सुना, आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। वहीं आपको बता दें
कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में एक ही थाना क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा दो CSP संचालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद देवरिया थाना की पुलिस तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए देवरिया थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 अपराधियों को गिरफ्तार करती है, पूछताछ के लिए उठाती है, जिसके बाद पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद बवाल होता है। और इन सारे प्रकरण के बाद आज मुजफ्फरपुर के देवरिया पहुंचते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां वो मुजफ्फरपुर के जदयू MLC दिनेश सिंह पर जमकर हमलावर होते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि सारे अपराधियों के आका है दिनेश सिंह। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।